टीवी शो कलर्स। जी हाँ, टीवी शो कलर्स पर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे जहाँ एक और अंजोर को लेकर चकोर काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर रणविजय अब सीधा अंजोर के ज़रिए चकोर को कर रहा है ब्लैकमेल की, और साथ में वो दिखा रहा है कि वो वाकई में अंजोर की जान ले सकता है। क्या कुछ ऑन ट्रैक चल रहा है इस वीडियो के अंदर, चलिए दिखाते हैं। ओके सर, अंजोर आज क्या सीखने की कोशिश कर रही है? आगे को सिखा रही है या कहीं आपको ढकेलने की कोशिश कर रही है? अंजोर बच्ची जैसी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, तो अब आरवी जितनी भी कोशिश कर सकता है उसे एक्सप्लॉइट करने की या चकोर के सामने उसको मतलब डराने की, वो पूरी चांस दिखाना चाहता है चकोर को कि वो अंजोर को मार सकता है। तो ये वही डराने की कोशिश कर रहे हैं, और अंजोर इतनी बच्ची है कि उसने बोला कि नहीं, ये सब वो चकोर की वजह से हो रहा, तो वो बिलीव भी कर लेती है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अंजोर। कंटिन्यू कर लो, मैं अकेले बैठने दूँगी। चले, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अंजोर क्योंकि वो बहुत बच्ची जैसी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको बस ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती हैं, बच्चों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती है। उसको कोई चॉकलेट दे दो तो उसको अच्छा लगता है, उसको कोई डांट दे तो वो बुरा लगता है। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद अंजोर, और अब वो सिर्फ डरा रहा था चकोर को, तो आई एम सेफ गाइस। लेकिन चकोर को ना पसंद करने के बावजूद भी आप उसके साथ अभी घर से निकल जाएंगे? आरवी के चुंगल से बचने वाली है? मैं घर से निकल नहीं पाती हूँ, यही हमारा जो आगे की सीन्स है, यही वही है कि मैं बेहोश हो गई हूँ क्योंकि सिंस मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पेट पे लग जाती है सोफ़े से, तो मैं बेहोश हो गई हूँ वो उस दर्द से, और वो मुझे कैसे भी करके एक सेफ़ प्लेस ले जाना चाहती है क्योंकि अगर आरवी ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए उन्होंने मुझे स्टोर रूम में जाके छुपा दिया। थैंक यू सो मच।